बोले लेश, जैसे हम लोग बोलते हैं क्यू, तो इन लोग बोलते हैं लेश, तो इनका बात ही अलग है। तो नया नया जब आदमी आता तो वो सोचता अभी ये मार बैठेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। आप काम करते हैं, इसका नाम क्या है एरिया का? और ये घर के बाहर देखिए, ये एरिया का नाम है हिजिल। पहले मैं घर में था, सिटी में था, दो खाता है उनका, कम से कम 1-1.5-2 बीघा में बना है। यहाँ बैठते हैं चाय वाय पीते हैं। रूम उधर, उधर बाहर रूम है हमारा। अच्छा, रूम इधर है आपका, बाकी अंदर। और कितने लोग आप यहाँ रहते हैं? दो आदमी है यहाँ, खाना भी बनता है। अच्छा, खाना भी बनता, तो एक खाने बनाने वाला है, मैं चाय खावा बनाता हूँ। यानी रात में, यानी उधर किचन है सामने, और ये जो रूम है, और यहाँ पे आदमी लोग बैठते हैं। और ये दीवानियाँ, ये दीवानियाँ हैं, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। अच्छा, आप बोले थे वीजा मिला है आपको? जी हाँ, मुझे वीजा मिला है दीवानी। ये वीजा मिला है? हाँ, दीवानिया का वीजा है। दीवानिया का वीजा ये है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुवैत में दीवानिया में काम किस तरह से होती है, कितनी सैलरी मिलती है, कितने घंटा काम होता है। तो मैं आया हूँ ये दीवानिया में, ये पूरी दीवानिया है। यहाँ पे जो अरबी लोग बैठते हैं, यहाँ चाय देते हैं पूरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मैं इंडिया। एक गुलाम रसूल इनका नाम है, और ये अपनी यूपी से हैं। मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ, और आज फिर आया हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। गुलाम रसूल, आपको कितना समय हुआ कुवैत में? 6 साल हो गए भाई मुझे। तो 6 साल पहले आप किस काम में आए थे? काम में तो मुझे तबाक का वीजा मिला था भाई, खाना बनाने। अच्छा, खाना बनाने के आए थे, बाबरची के जॉब में आए थे। मगर जब यहाँ आया तो अरबी बोला, अभी आप नए नए हो, आपको अरबी नहीं मालूम है, तो कुछ दिन आप चाय घावा बनाइए, उसके बाद अरबी सीख जाओगे। अच्छा। तब आप जाकर घर में खाना बनाना, की औरत के साथ रहना है। बम्बई में होटल में 10 साल काम किया हूँ। अच्छा, 10 साल बम्बई में भी काम किया? कारीगर हूँ मैं, कारीगर में आया था। तो बोले आप अभी अरबी नहीं जानते हो, तो बोला चलो ये भी बात सही है, अच्छी बात है। फिर जब मैं करने लगा तो मुझे ये काम अच्छा लगा, ज्यादा मगजमारी, अच्छा लगा, मतलब ज्यादा मगजमारी नहीं है अपने, मतलब से काम, काम से मतलब है। फिर वो ना बोला तुम खाना बनाओ, ना मैंने बोला, मुझे ये अच्छा लगने लगा। खाने में भी क्या बहुत रिस्क है। जब सुषमा आप आए थे, कितनी सैलरी बोला था आपको? खाने में 100 दिनार बोला था सैलरी। 100 दिनार जी। जब आप ये काम कर रहे थे, तब कितनी सैलरी मिल रही है? अभी तो उस टाइम तो अभी 70 दिनार, उस टाइम 6 साल पहले था। अभी जो नया आते हैं 80 दिनार, 90 दिनार। कोई ऐसा कपिल अच्छा है तो 100 दिनार देने, अक्सर 90 दिनार 80 दिनार इस टाइम पे पगार यहाँ चल रही है, क्योंकि यहाँ पगार जल्दी बढ़ती नहीं है। अच्छा, जब 6 साल पहले आप आए थे खाना बनाने के, तो 100 दिनार सैलरी थी आपकी? जी जी जी। और कुछ दिन चाय कहवा बनाओ, उसके बाद भी खाना बनाना, तो क्या सैलरी कम किया था, वही सैलरी दे रहा था आपको? नहीं नहीं, जो काम करेंगे भाई सैलरी कम कर दिया, खाना के तो खाने की पगार। अच्छा, खाने की 100 दिनार था, जब आपने काम बदल दिया, उसने काम बदल दिया, फिर आपकी सैलरी कितनी किया? सैलरी उस टाइम 70 दिनार दिया। 70 दिनार? हाँ, 70 दिनार की जो वीजा दिया था, वो उससे मेरे बराबर बात नहीं हुआ। जो मालिक बोला, यहाँ का जो मालिक है, बोला मैंने इतना ही बोला था, मालिक बोला, तो बोला चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेकर तरह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, घर बहुत अच्छा था, कपिल बहुत अच्छे हैं, मुझे आज तक उल्टा कभी नहीं बोले। यानी जी हाँ, जिस तरह आदमी रोता चिल्लाता है वीडियो में, अक्सर देखते, मैं भी देखता था सऊदी आने के टाइम, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग। बस देखो भाई, मैं एक बात बोलूँगा, जो भी विदेश में आओगे तो बहुत सोच समझ के आना है, और घर पर बैठने से बेहतर है आप एक बार ज़रूर विदेश जाइए। विदेश जब एक बार विदेश देखना चाहिए, क्योंकि लोग कुछ कहते हैं यार परेशान है, अच्छा नहीं है विदेश में, कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो एक बार देखना चाहिए आप लोग को भी विदेश कैसा है, तो विदेश का क्या सिस्टम है। विदेश जब तक आप आओगे नहीं, तो आपको दुनिया, आपको जो पैसे का पकड़ है वो नहीं मालूम पड़ेगा, आपको कैसे रहना ये नहीं मालूम पड़ेगा। यहाँ आना है, कोई भी मालिक अच्छा आप बुरा नहीं है, मगर क्या है, अपने आपको सब्र करना है कि वो जो भी बोले आप इंशाल्लाह कह दीजिए, इंशाल्लाह के सिवा कोई आगे बात नहीं, इंशाल्लाह कह दीजिए, भले आप भूल जाओ तो गुस्सा नहीं करते हैं। मगर आप जो भी विदेश आना चाहते हैं, कोई भी है या विदेश में जो भी है या फिर आना चाहता है, तो दो काम उसको जरूर करना है, एक तो बर्दाश्त करना है, और दूसरा सबर करना है। जिसके अंदर सबर नहीं है, बर्दाश्त नहीं, वो विदेश नहीं कर सकता, विदेश में नहीं रह सकता। इंडिया में हम लोग जितना भी होशियार हों, जितना भी हों बदमाश हो, यहाँ पर एकदम सीधे साधे बन के रहना है, कि कुछ मालूम ही नहीं है, एकदम बोर है, समझ लो कि गूंगा बन जाना है, जब तक आपको अरबी नहीं आती है। क्योंकि इनकी जो बातें होती है ना, आपको शुरू शुरू में जब ये बोलेंगे तो आपको लगेगा ये मारने जा रहे हैं। लोग बोले लेश, जैसे हम लोग बोलते हैं क्यू,
तो इन लोग बोलते हैं लेस, तो इनका बात ही अलग है। तो नया नया जब आदमी आता तो वो सोचता है अभी ये मार बैठेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है, जो काम बोले आप इंशाल्लाह कह दीजिए, और जब तक आपको अरबी नहीं आता है तब तक कुछ भी बोले आपको सब्र करना है। जो भी काम बताए कर लो, काम ही करना है, काम कर लोगे तो आप खुश रहोगे। अच्छा गुलाम असल भाई ये बताइए, आप कितने घंटा काम होता दीवानिया के जॉब में? देखो रात में काम ज़्यादा होता है या दिन में होता है, कब काम होता है और कितने घंटा काम होता है? भाई दीवानिया का कोई टाइम नहीं है, मगर काम भी नहीं है और काम भी है। जैसे सुबह का घर में जो दीवानिया लगती है सुबह 8-9 बजे दीवानिया में चाय घवा बनाते हैं, फिर 12-1 बजे तक 1 बजे तक बैठते हैं, फिर आदमी कपिल चला जाता है। फिर दोपहर में जैसे कोई नहीं है तो आप भी टाइम मिला तो सो लिया, मगरिब ईशा के बाद 10-11-12 बजे तक दीवानिया रहती है। इस तरह यानी आपको सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक दीवानिया में काम करना पड़ता है, यानी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है मगर काम भी नहीं है। तो कितने मतलब कितने घंटा काम होता है बताइए? सवा 10-12 घंटा पड़ जाता है भाई। वही सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 7-8 बजे उठ जाते हैं, जैसे जो नमाजें पढ़ते भाई फजर में पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते नमाजें तो वो 7-8 बजे उठे, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे के बाद साफ सफाई किया, जब तक 9-8 बजे चाय बना के रख दीजिए। 9 बजे यानी चाय बना के रख देते हैं। रात में कितने में छुट्टी मिलती है? रात को 10-11 बजे छुट्टी हो जाता है। 10-11 बजे। अच्छा दीवानिया में जो है बोल रहे हैं सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है भाई। देखो सफाई और क्या क्या काम करना पड़ता है दीवानिया में ये बताइए। दीवानिया में ज्यादा काम नहीं, दीवानिया जो रहता है वो साफ सफाई करना पड़ेगा। जैसे कोई जाकुर वाकुर में आ रहे हो तो जाकुर की पूरा देखभाल आपकी जिम्मेदारी है जी। और जो घर में दीवानिया है तो दीवानिया एकदम हमेशा क्लीन रखना है, थोड़ा भी कचरा नहीं है। कचरा रहेगा तो फिर आपको भी गुस्सा करेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो हमेशा मेंटेन रखना है। जब तक वो बैठेंगे कुछ भी गिराए तो वो चले गए, उसके बाद आपको एकदम क्लीन कर देना है, एकदम साफ सफाई रखना है। बस यही काम रहता है, चाय घवा बनाओ। और जो घर में सुबह सुबह गाड़ी उड़ी रहती है तो 2-4 गाड़ी धोना पड़ता है, रोज गाड़ी नहीं धोना पड़ता है, 2-3 दिन के बाद गाड़ी। यानी दीवानिया में अगर आप आ रहे हैं तो सुबह 7-8 बजे सोच उठते हैं, 9 बजे तक काम लग जाता है और रात में 10-11 बजे छुट्टी मिल जाएगी, और चाय गावा बना के ऐसे यहाँ पे रख देना है। जब अरबी आएगा तो उनको चाय गावा देना होगा। और कोई अरबी है सिकट मंगाया या दुकान से कुछ सामान मंगाया पेप्सी वगैरह, वो आपको लाके देना है, वो लाके देने उसमें। और जो अपना अरबी है यानी उसकी गाड़ी आपको धोना होगा 2-3 दिन में एक बार, इतना काम होता है। अच्छा सैलरी जो अभी नया बंदा आया दीवानिया की जॉब में, जैसे आपको ये वीजा मिला है ना? ये वीजा कहा है? ये दीवानिया का वीजा है। ये दीवानिया का वीजा है, ये कहाँ से मिला है आपको? ये है अपने कपिल है, उसे मतलब अपने उनके जैसे। तो ये अपने जो है भाई अपने गांव से हैं, तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाते पाक पढ़ते हैं और उमरा गए थे, उमरा के वहाँ की काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाया इन्होंने। तो अपने चैनल का नाम क्या है भाई? गुलाम सिद्दीकी नाम है, और मेरा गुलाम सिद्दीकी 58 नंबर डाला हूँ, गुलाम सिद्दीकी 58 सर्च करोगे तुरंत मेरा चैनल आ जाएगा। नाते पाक भी पढ़ता हूँ और सऊदी की वीडियो भी डाला है 2-4। उमरा का तरीका भी, उमरा का वीडियो भी डाला हूँ, ऐसे उमरा जाना चाहते तो मेरी वीडियो देखकर आसानी आपको बहुत आसानी। तो नबी साहबा का है और जो वलमा का किस तरह बात करें, इसी तरह मैं मतलब इस्लामिक वीडियो डालते रहता हूँ नाते पाक की। बाकी मैं बाहर जाता नहीं तो इसलिए ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर यही कुरान पाक टाइम मिलता है कुरान पाक पढ़ते रहता हूँ। पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, पढ़ो एक बार। मैं पढ़ा लिखा। अच्छा आप पढ़े लिखे थे जब यहाँ कुवैत में आते? नहीं ये बताइए, मैं अपने स्टोरी बताइए। मैं जब आया था 2019 में आया था, तो मैं पढ़ा लिखा बचपन में मतलब 11 साल की उम्र में अली संदल कुरान मतलब नूरानी कायदा पढ़कर छोड़ दिया था, आप समझ रहे होंगे। मगर जब यहाँ आया कोरोना के टाइम मुझे खौफ आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूट्यूब के जरिए से कुरान पाक पढ़ना चालू किया। 1.5 साल में मैंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और 5वीं किताब तामीर अदब पंजुम है, 5वीं किताब वो पढ़ा हूँ, अनवारे शरीयत पढ़ा हूँ यूट्यूब के जरिए से। कहते हैं दुनिया में कोई चीज़ मुमकिन नहीं, आप जो चीज़ चाहो आप कर सकते हो, मगर आपका हौसला होना चाहिए। बचपन में संदल कुरान पढ़ के छोड़ दिया था, लेकिन अभी कुवैत में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मतलब याद कर लिया पूरा। कुरान पढ़ते हैं, देख लो मैं, देखो कुरान पाक मेरा है। कुरान पढ़ते हैं और उर्दू लिखते हैं, उर्दू पढ़ते भी हैं और लिखने भी लगे हैं यूट्यूब के जरिए से। देखो मैंने कभी क्या सीखा अल्लाह का, मतलब पैसे तो कमा ही रहे हैं भाई और साथ में दीन में कमा लिया कुवैत में आके। मैं स्कूल में नहीं गया हूँ, मगर यूट्यूब के जरिए से मैं अरबी भी लिखना, देख लीजिए मेरा राइटिंग अच्छी नहीं है मगर अरबी में लिखना चालू किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं
मैं ज्यादा क्या बोलूं, मैंने वो मतलब यही पे काम करते हैं आप, और जब साइल सेम होते हैं तो कुरान और उर्दू सब पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा यार। हर एक देखो दुनिया में आए हो तो जो भी मुमकिन नहीं, मगर आपका यकीन होना चाहिए, आप पर चस्पी है तो आप भी पढ़ सकते हो मेरे भाई। इसे बचपन में क्या होता है, बचपन में हम नादानी या गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, मगर जब बाहर जाते हैं तो हमें शर्म आती है। कोई सवाल पूछ ले कि तुम्हारे नबी का नाम क्या है, आज के दौर में 50 साल के बुजुर्ग से पूछ, मैंने देखता हूँ वीडियो, बहुत शर्म आती है। कोई पूछता है अव्वल आखिर नबी क्या है, तो उनका नाम नहीं मालूम, तो हम कैसे उम्मती हैं? तो अपने नबी का नाम तो होना चाहिए। पहला कलमा नहीं मालूम है, पहला कलमा का तर्जुमा क्या है ये नहीं मालूम, तो कैसे आप मुसलमान हैं मेरे भाई? जरूर याद करो, पहला कलमा तर्जुमा नहीं मालूम है कि पहला कलमा का सीधा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और हम सब के नबी हैं पूरे उम्मत के। माशाल्लाह, ये पढ़ के जो है बताओ दीवानी में काम करते हो, ये भी कुरान पढ़ा है, उर्दू लिखा है, उर्दू पढ़ा है और लिखते भी अच्छा है, और यहाँ पर नाते पाक पढ़ते हैं, और अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर भी काम कर रहे हैं, ब्लॉग है, क्लास जो है मैं अरबी सिखाता हूँ, हिंदी टू अरबी पढ़ाते हैं, जो भी नए लोग आते हैं उनको थोड़ा हेल्प हो सके। बहुत है, मैं खुद पढ़ता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को भी अरबी पूरा नहीं मालूम है। तो ये है दीवानिया मेरे भाई, ये देखिए दीवानिया यहाँ पर है, यहाँ पे अरबी लोग बैठ के चाय पीते हैं। अच्छा, ये सामान खत्म होता है चाय जावा का जब, तो आप कैसे बोलते हो, कैसे मंगाते हैं, ये कैसे है? इसका अरबी में बोल देते हैं चाय गावा, जैसे यहाँ अपने आप लेके आते हैं, आपको बोलना पड़ता है सामान के लिए? नहीं नहीं, वो तो लिखना पड़ता है, आप जैसे यहाँ एक 15 दिन का 8 दिन का सामान स्टॉक आता है तो सामने बोलना पड़ता है की चाय खत्म हो गया, गावा खत्म हो गया, ये नहीं है, गिलास नहीं है, चम्मच नहीं है, जो भी आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, बोला पड़ो नहीं, आप लिखना आता तो लिखकर मैसेज कर दीजिए, मुझे तो मैसेज ही करते हैं। तो इस तरह से दीवानिया में काम होता है कुवैत में। देखो एक बात बता दूं, नया आदमी जो आए, ये अरबी का बच्चा देखिए, नया आदमी आए जैसे अब अरबी नहीं मालूम है तो आप इशारों से बता सकते हैं ये चाहिए, तो इशारे से बात करते हैं ना, ज्यादातर इशारों से बता दो, जैसे आपको चम्मच चाहिए तो बता दो मुझे चम्मच चाहिए, ऐसा बता दो समझ जाएगा, खाना चाहिए तो सीधा ऐसा कर दो भाई, जैसे नया नया हम खाना कैसे मांगो तो वो ऐसा इशारा कर दो, वो समझ जाएगा कि मुझे खाना खाना है, पेट पे हाथ रख दो, ऐसा कर दो तो इशारा समझ जाएगा। अक्सर घर चलिए ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, और इंशाल्लाह फिर आएंगे, अभी चल रहे हैं काम पे, थोड़ा हम भी चलते हैं बच्चों के साथ, अपने साथ में बच्चे है ना, इसलिए चलना है मुझे, थोड़ा जल्दी में हूँ वरना बैठता और बात करते, ठीक है मेरे भाई, सलाम भाई, चलते हैं फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। क्या है एरिया का, और ये घर के बाहर देखिए, एरिया का नाम है हिजिल, पहले मैं घर में था, सिटी में था 2 साल, उसके अच्छा, बाद यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गए हम, यहाँ काम उनका हाता है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, खूबसूरत है यहाँ पे, तो ये हाता है उनका, कम से कम 1-2 बीघा में बना है वो शेड में घर, यहाँ पे क्या ठंडी में यहाँ पे खेमा था ना, ठंडी में यार खेमा लगता है, बाकी इधर हल्का गर्मी ठंडी होता है, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं चाय वाय, रूम उधर बाहर रूम है हमारा, अच्छा रूम इधर है आपका, और कितने लोग आप यहाँ रहते हैं? 2 आदमी है यहाँ, खाना भी बनता है, अच्छा खाना भी बनता है, तो ये खाने बनाने वाला है, मैं चाय खावा बनाता हूँ, रात में उधर किचन है सामने, और ये जो रूम है, और यहाँ पे आदमी लोग बैठते हैं, और ये दीवानियाँ, ये दीवानियाँ हैं, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। Hadi bekliyorum.